हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नोलॉजी एंड टिप्स विद एआर में। अगर आप भी कोई कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं अमेजोन पर, तो इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आप कैसे अमेजोन कस्टमर केयर से बात करके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा amazon.in और सर्च पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही ये आपको amazon की साइट खुलेगी, तो आपको यहाँ पे अपनी आईडी से लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ नीचे पे सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस पर हम क्लिक कर देंगे। कस्टमर सर्विस पर क्लिक करने के बाद आपको, सॉरी मैंने लॉगिन नहीं किया था, तो लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको जाना है सीधे नीचे कॉन्टैक्ट अस पे। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर देना है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन अबाउट एन इश्यू एंड क्वेश्चन अबाउट योर ऑर्डर। हम यहाँ पे हैव यू हैव अस कॉल यू पे क्लिक कर देंगे। है बस कॉल यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन पूछे। इसके बाद ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस सिलसिले में कॉल करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे माय ऑर्डर पे क्लिक कर दिया। माय ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन देता है कि आप मतलब किस सिलसिले में अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, या पेमेंट मेथड क्या इशू आ रहा है आपके पास। तो आपके पास जो भी इशू आ रहा है आपका, तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मेरे पे यहाँ पे रिफंड का इशू है, तो मेरे को रिफंड पे क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन पूछेगा ये आपसे कि आप रिफंड क्यों करना चाहते हैं। आप आपका कोई डैमेजिंग इशू है, या आपको कुछ आइटम का इशू है, या कुछ स्टेटस का इशू है, रिफंड पिकअप, अलग अलग ऑप्शन पूछेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया आपका रिफंड स्टेटस माय वाला, रिफंड स्टेटस वाला मैंने क्लिक करने के बाद मैंने कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल का करना है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस पे क्लिक कर दूंगा मैं। कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ये आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे कॉल मी नाउ पे क्लिक कर देना है। कॉल मी नाउ पे क्लिक करने के बाद ही कुछ ही देर में अमेजोन वालों के कॉल आपके पास आ जाएगी और आप अपना सॉल्यूशन बता सकते हैं। जैसे ये कॉल उनके आ गई मेरे पास। अमेज़न में आपका स्वागत है, हमारी ग्राहक सेवा टीम आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध है। यह कॉल गुणवत्ता और प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है।